आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम किया उसमें हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो चुका हो तब प्रॉफिट या लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब इन प्रोसेस हो, अभी चल रहा हो, जैसे 2 या 3 साल या इससे ज़्यादा भी लंबे अरसे के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें प्रॉफिट जो लिखना होता है इनकम स्टेटमेंट में, तो जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम हुआ है, जितना जितनी अमाउंट वसूल की है उससे रिलेटेड फिर हम लोग सब एक्सपेंसेस लिख कर, रेवेन्यू लिख कर, फिर हम लोग प्रॉफिट को हर ईयर हम लोग को लेकर चलना होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को और फिर करना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन स्पेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अनफिनिश्ड ऑन 31 दिसंबर 2018। अब वो बता रहे हैं कि ये अमाउंट्स हमने कॉन्ट्रैक्ट पर खर्च किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम ज्यूम कर लेते हैं, हमें मिला था कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने बिल्डिंग जो है वो तामीर करनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हुआ और अभी हम लोग खड़े हैं 31 दिसंबर 2018 पर। और यहाँ पर हमें गिवन है मटेरियल्स, वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस, मटेरियल्स जो हमने जो सामान लेकर आए हैं उसका खर्चा हमारे पास है, गिवन है ये 16 लाख। वेजेस जो हम लोगों ने लेबर्स को मजदूरी दी है ये है 14 लाख। इसके बाद कुछ और हमारे खर्चे हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर और वो उसकी अमाउंट है 10 लाख। तो जिस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से इन खर्चों को तो हम लोग लिख देंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी यहाँ पर हम लोग ये तमाम एक्सपेंसेस लिख देंगे। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा मटेरियल्स और मटेरियल्स जो है वो कितना मटेरियल्स पर हमारा खर्चा हुआ है, ये है 16 लाख। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों खर्चे लिख दिए, डायरेक्ट वेजेस भी, डायरेक्ट चार्जेस भी, वेजेस भी और मटेरियल्स भी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या गिवन है। और इससे भी पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट में क्या है, हमें क्या क्या चीज़ बनानी है। फाइंड आउट द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Also calculate the value of work in progress. If the value of work done but uncertified is ₹2 lakh. अब ये बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएं और फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है एक हमें वो दिखाना है और दूसरा काम हमें ये करना है कि वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस जो काम है उसकी वैल्यू क्या है वो भी हमने बतानी है। ये जो हम लोग चीज़ लिख रहे हैं ये कॉस्ट है और जब वैल्यू की बात की गई होती है तो कॉस्ट में प्रॉफिट जमा होकर जो अमाउंट बनती है उसको हम वैल्यू कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। ₹40 लाख हैव बीन रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। अब कॉन्ट्रैक्टी से जो अमाउंट वसूल की है वो है 40 लाख, बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अब ये अमाउंट जो है ये 80% काम कॉन्ट्रैक्टर ने जो सर्टिफाई कर दिया है ये अमाउंट उससे रिलेट करती है। तो जिस वक्त हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करते हैं, तो ये 80% गिवन है, इसका हम लोग पूरा फाइंड करेंगे। अगर ये 100% होती तो अभी क्योंकि काम सर्टिफाई नहीं हुआ, इंजीनियर्स ने काम पर जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, सर्टिफिकेशन नहीं दी कि इतना काम सर्टिफाई है, तो लेकिन काम हो चुका है। तो हम लोग जो एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल वैल्यू आएगी पूरे 100% की, वो कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। और बाकी जो हमारा काम, इफ़ द वैल्यू वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड का दिया हुआ है 2 लाख जो है वो 2 लाख का काम हो चुका है लेकिन वो अनसर्टिफाइड है। और जो अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कैश रिसीव हमने जो किया है वो है 4 लाख, लेकिन इसका जो 4 लाख 80% है तो इसका 100% कितना बनेगा ये हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ये जो कैश रिसीव हमने किया है ये है 80%, तो इसका 100% कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे और डिवाइडिंग बाय 80 करेंगे। तो ये अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 50 लाख, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद है अनसर्टिफाइड, जो अमाउंट खुद बताई गई है वो है 2 लाख, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमने ये कर दिया, जितना भी एक्सपेंस है वो हम लोगों ने लिख दिया, जितना भी एक्सपेंस हुआ है और जितनी अमाउंट आई है और जितनी अमाउंट आएगी हमने वो भी लिख दी। और इसमें से अभी हम लोग
फाइंड करेंगे प्रॉफिट या लॉस कितना आता है, और प्रॉफिट या लॉस जो हम लोग लेकर जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कितना होगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो रूल्स देखे थे कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें बताया गया था अगर कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट ना हो, अगर 25% कम्प्लीट है तो फिर कितना लेकर जाएंगे, 50% कम्प्लीट है या इससे ज़्यादा कम्प्लीट है फिर कितना लेकर जाएंगे, और नियर टू कम्प्लीशन है, कम्प्लीशन के करीब है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग करते हैं इसको कैलकुलेट, और यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर हम लोग इसको देखेंगे कितना इसमें से हम लोगों ने लेकर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ हमारा 50 लाख और ये 2 लाख, इसे अगर हम लोग जमा करें तो ये बनता है 52 लाख। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये है 52 लाख। और अब अगर हम लोग डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस हैं इनको टोटल करें तो ये बनती है 40 लाख। तो 52 लाख में से 40 लाख माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 लाख। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं ये है प्रॉफिट, जो कि टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल एस्टिमेटेड ये हमारा प्रॉफिट है जो कि प्रोजेक्ट से आ सकता है, क्योंकि अभी जो अमाउंट वसूल नहीं हुई उसकी उसको भी हमने एस्टिमेटेड उसकी भी अमाउंट लिख ली है। और ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले इन तमाम अमाउंट को टोटल कर लेते हैं, ये बन गई 52 लाख। अब इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र करना है क्रेडिट साइट पर, और ये सब काम हम लोग कर रहे हैं जिस डेट को हमसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहा गया 31 दिसंबर 2018 को, उस डेट को हम सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉफिट ब्रॉड डाउन जो है वो है हमारा 12 लाख, प्रॉफिट ब्रॉड डाउन वो प्रॉफिट जो हम लोग यहाँ से पीछे से हम लोग लेकर आए हैं, तो ये है 12 लाख एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लेकर जाना है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है वो है 12 लाख, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब कितना प्रॉफिट हम लोग लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो एस्टिमेटेड जो हमारा प्रॉफिट होता है हम उसको लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 12 लाख, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, क्योंकि इस प्रॉफिट का 2/3 हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी डिक्रीज़ करेंगे हम उस परसेंटेज से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस परसेंटेज से जितना हमने कैश रिसीव किया है वर्क सर्टिफाई का। अब कैश जो हमने रिसीव किया है वो है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 80/100 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 6 लाख 40,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसे 6,40,000। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोगों ने 12 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडिंग बाय 3 किया, फिर मल्टीप्लाई किया 80 से डिवाइडिंग बाय 100 किया, तो ये हमारे पास जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट लेकर जाना है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आ गया जो कि है 6,40,000। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा प्रॉफिट जो जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि हम अभी हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट, ये है 6 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं 6,40,000 को। और अब जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इसका और जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहे हैं इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 5,60,000। तो ये प्रॉफिट हम लोग रिजर्व में लिखेंगे, ये अमाउंट हम लोग रिजर्व्स में लेकर जाएंगे। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ये बैलेंसिंग फिगर है जो कि हमने फाइंड किया है प्रॉफिट जो लेकर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का डिफरेंस है। और इसको हम तब तक रिजर्व में रहने देंगे जिस वक्त तक प्रोजेक्ट हमारा आगे नहीं जाता, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जाता, और जो हम लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट होगा जिस प्रॉफिट को हम अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट कह रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये अमाउंट रिजर्व्स में रहेगी। तो यहाँ हम अब टोटल कर लेते हैं जो कि है हमारा क्रेडिट साइड पर 12 लाख, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और रिजर्व्स को। तो यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया, और इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने दिखा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो है 6,40,000, और बाकी रिजर्व्स में हम लोग लिख देंगे 5,60,000। तो इस क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइंड आउट द प्रॉफिट या लॉस
टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।